భారతదేశంలోని మందుల కంపెనీలు అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నాయని నిజామాబాద్ ఛాంబర్స్ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ అధ్యక్షుడు సోమని తెలిపారు. मैंने सर्वे किया, 99% लोगों को पता नहीं कितना मार्जिन है. प्रूफ प्रूफ के साथ आपको फाइल दिया है. वो छोटे से एम्प्लॉय लोन लिया और बोला साहब मेरे को आवश्यक है, जरूरी है, आप देना पड़ेगा. तो मिलता है वो आपको 10% में मिलता है. मेडिसिन भी है ना सर? तो मतलब 8-10 हज़ार की सैलरी है और मेडिसिन में उसके 4 हज़ार कट जाएंगे तो उसकी फैमिली कैसी चलेगी. तो मैंने सोचा कि 80% डिस्काउंट. हम यहाँ निजामबाद में 80% कोई देता है क्या? विलेज दोनों सेम मेडिसिन है. तो एक जगह मुझे 19 रुपए में मिला और एक जगह 164 में. उसके बिल भी अटैच आपके फाइल में है. आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए, आपका विश्वास बैठने के लिए मैंने वो बिल भी अटैच किया है. और वो मॉन्टेवॉक्स एलसी के साथ साथ एक मैंने रोजोस्टिन बोल के रोजोवैक्स कंपनी है वो, तो वो एक शॉप से दो खरीदी. एक शॉप में बिल हुआ 56 रुपीज, दूसरे शॉप में बिल हुआ 391 रुपीज. 391 में उन्हें हमको डिस्काउंट देके 356 में वो हमको मेडिसिन दिया. कहाँ 56, कहाँ 356. अब इस पर से इमेजिन करें, इसमें मैं इतना जब बड़ा कॉन्फ्रेंस में यहाँ कर रहा हूँ, आपको भी विश्वास होना चाहिए. कई लोगों को बोलने के बाद विश्वास नहीं बैठ रहा है, वो बोल रहे गलत है, ये गलत है. मतलब गलत नहीं है, आप मालूम कर लो. मैंने इसलिए फैक्ट और फिगर के साथ आपके सामने पूरा फैक्ट रखा है. एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूँ, जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर 95 रुपए में होलसेलर को देता है, ये ध्यान से सुनिए, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को 95 रुपए में मेडिसिन देता है, होलसेलर रिटेलर को 100 रुपीज में देता है. मैं रिटेलर वो मेडिसिन 3,000 रुपए में बेचता है. इसलिए 3,000 में बेचता है, उसके ऊपर जो एमआरपी प्रिंट किया हुआ वो भी 3,000 रुपए का एमआरपी प्रिंट है. या आप सरप्राइज करेंगे, लगातार 4 महीने से मैं इस इश्यू पर हूं. मैंने 4 महीने में मेरा कोई बिजनेस देखा नहीं है और इस स्कैंडल को एक्सपोज करने के लिए मैं लगा हुआ. मुझे स्टडी करना जरूरी है. हम इस धरती पे आए हैं, बिजनेस करे हैं, पैसे भी हमारे पास है. हमारा फर्ज बनता है कि हमारे पैसों का भी समाज के लिए और देश के लिए उपयोग हो. यह सोचकर मैंने इसकी स्टडी की और स्टडी कर पूरे प्रूफ के साथ पूरे मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस, होलसेलर का सेलिंग प्राइस, रिटेलर का परचेस प्राइस और कंज्यूमर का एमआरपी, इस तरह की पूरी स्टडी मैंने कई मेडिकल शॉप पे गया, स्टडी किया. होलसेल शॉप में गया, स्टडी किया. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के मेडिकल शॉप पे गया, उनसे स्टडी किया. मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैन्युफैक्चरर से स्टडी किया. डिपार्टमेंट के पास, ड्रग इंस्पेक्टर के पास गया, उससे भी मालूमात लिया. पूरा मालूमात करने के बाद 2 महीने के बाद यह मेरे को तसल्ली हो गई, इसमें 130 करोड़ लोग लूटे जा रहे हैं, बर्बाद हो रहे, इसके लिए हमें कुछ करना चाहिए. तो मैंने एक प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को एक पत्र लिखा. पत्र में पूरे फैक्ट्स और फिगर के साथ उनको डिटेल मेल किया और उनको ये भी बताया कि ये इस तरह की लूट हो रही है, गरीब लोग लूटे जा रहे हैं, 130 करोड़ लोग लूटे जा रहे हैं. विशेषतः हमारे गरीब लोग, मिडिल क्लास के लोग दवाई के लिए
अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे, लोन ले रहे,